सो है गाइस, व्हाट्सअप एंड लोगों को बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइस ये एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम और ट्रेंडिंग चल रही है, सो मैंने सोचा क्यों आप लोगों को भी इसका ट्यूटोरियल सिखा दिया जाए। सो वीडियो बहुत ही मस्त बने, तो वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। और मुझे हो सके तो इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो भी कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स गो स्टार्ट विदाउट टाइम। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर फोटो एडिट करके। ओके गाइस, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना, इसलिए गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करो, मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ओपन के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। सो इसके बाद आपको पेंसिल आइकन दिखाने रहे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिटेल्स के टूल्स में जाना और इसके थोड़े से डिटेल्स को डाल देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ अभी डन, और फिर आपको जाना पेंसिल के आइकन में क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे जाना है, डबल एक्स क्रॉस में लिखा हो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से प्लस के आइकन में क्लिक करके अपने मॉडल की पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मॉडल की पिक्चर को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से अपने मॉडल की पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, देन इसके बाद जाना आपको इस बार टूल्स के अंदर जाना, ठीक है, एडिट स्टोर के टूल्स में जाना है और इसके बाद आपको यूज एडिट के अंदर जाना, चले आना है। इसके बाद आपको डबल एक्सपोज लिखा हुआ इस पर क्लिक करके देना और यहाँ से ड्रो टूल्स का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या गाइस, यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद आपको इस पिक को एकदम जूम कर लेना है, जूम करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी मैं इसको गाइस जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मान लो आपने यहाँ पर इसको जल्दी से ड्रॉ कर दिया और अपने यहाँ पर कपड़ों पर भी ड्रॉ हो गए, तो आपको इसको कैसे इरेज करना है, तो यहाँ से जो ये वाला आइकन दिख रहा है गाइस, सो इसको आप यहाँ पर सो ये इस नीचे करोगे तो आपको डिग्रीज वगैरह, तो अभी मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, इनक्रीज कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको इरेज कर लेते हो, ठीक है, बैक कर लेता हूँ। सो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैंने इसको एकदम अच्छी तरीके से पूरा इरेज कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देता हूँ। सो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। अब आपको करना क्या गाइस, मैं डबल एक्स में जाता हूँ और यहाँ से आपको इस टूल्स के अंदर क्लिक कर देना है और यहाँ से जाना आपको ओपेसिटी के अंदर, ओपेसिटी को यहाँ से फुल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको फुल कर देनी है और यहाँ जाता हूँ मैं एड वर्ड टूल्स के अंदर, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर कुछ हिस्सा रह गया, तो अभी मैं इसको यहाँ से जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर से आपको डबल एक्सप्रीम जाना और इस टूल्स के अंदर चले आना और यहाँ से आपको क्या करना गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पर इरेज कर देना, ठीक है, इसी तरीके से।
सो गाइस अभी मैं इसको ऐसे डन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं बैंक आ जाता हूँ, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लग रहा है गाइस। यहाँ पर कुछ हिस्सा रह गया तो आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना, यूज एडिट जाना और डबल एक्सेल के अंदर चले आना और यहाँ पर कुछ ये हिस्सा रह गया, इसको अभी मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डन और यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैंक। ओके गाइस, सो अब आपको क्या करना, पेंसिल गाइस को क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ट्यून इमेज के अंदर आना है और सैचुरेशन के अंदर चले आना, सैचुरेशन थोड़ा सा डाल देना और शेडो में जाना गाइस, शेडो को थोड़ा प्लस की तरफ एयर वार्फ में जाना, इसको थोड़ा माइनस की तरफ, ठीक है गाइस, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाल देना, ठीक है, इस तरीके से। इसको भी मैं डन कर देता हूँ। फिर से आपको इसी टूल्स के अंदर चले आना है और यहाँ सेलेक्ट टूल्स के अंदर आना और यहाँ से मैं अपने इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ब्राइटनेस में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस को डाल देता हूँ, ठीक है, और सैचुरेशन के अंदर चले आना गाइस, सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस की तरफ, इसको भी डन कर देता हूँ। सो गाइस अब मैं फिर से इसी टूल्स के अंदर आना आपको और ऐसे कॉन्ट्रास्ट के अंदर आना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाल देता हूँ, सो गाइस पिक्चर बहुत ही बढ़िया से लग रही है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस तीर के आइकन में क्लिक कर देना और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ नया सीखने को मिला गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।